हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है बच्चों हमारा, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। आज का टॉपिक हमारा क्या है? चुंबकीय पदार्थों का। वर्गीकरण चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो बच्चों, हमने यहां देख रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि पदार्थ को अगर हम अवस्था के आधार पर बांटें, पदार्थ की स्टेट, पदार्थ की अवस्था के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करें, तो हम देखते हैं भाई, जो मूलभूत अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था कौन सी होती है? गैसीय अवस्था, मूल अवस्थाएं। चौथा पढ़ेंगे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है, या बड़ी क्लास में पढ़ेंगे प्लाज्मा स्टेट। मूलभूत अवस्था तीन ही होती है। पदार्थ को हम चालकता के आधार पर बांटें, चालकता के आधार पर, तो हम क्या देखते हैं? ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि चालक, दूसरा मान लो हमने बोल दिया कुचालक, और तीसरा क्या बोल देते हैं? अर्धचालक। तो ये ठोस द्रव गैस तो अवस्था के आधार पर है, चालकता के आधार पर, चालक कुचालक और अर्धचालक। अब है चुंबकत्व के आधार पर, चुंबकत्व के आधार पर। तो सबसे पहले फैराडे ने 1846 में, फैराडे ने चुंबकत्व के आधार पर, कौन से गुण के आधार पर? चुंबकत्व के आधार पर। जैसे अवस्था के आधार पर बांट दिया, चालकता के आधार पर बांट दिया, ऐसे चुंबकत्व के आधार पर। तो फैराडे ने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा, निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया। चुंबकत्व के आधार पर, तो चुंबकत्व के आधार पर एक हमने बोला प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकत्व के आधार पर फैराडे ने पदार्थ को तीन भागों में बांटा, उसमें से पहला है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा हमारे पास है अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ, इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अणुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा जो भाग है इसका वो है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्लियर है कि फैराडे ने चुंबकत्व के आधार पर तीन भागों में पदार्थ को बांटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और थर्ड वन इज लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए,
तो सबसे पहला जो इसका टाइप है, तो हम स्टडी करेंगे आज इसका पहला टाइप, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या बोलते हैं इसको? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो हम किसे कहें प्रतिचुंबकीय पदार्थ? यानी अगर हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो अब जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर ही हमने तीन भाग बनाए हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? पहली बात आप ये समझ लें कि अगर मान लो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कम है और किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है, अधिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है, कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? आकर्षित होता है। तो बताओ कहां से कहां जाएगा? यानी वो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाएगा या अधिक चुंबकीय क्षेत्र से वो कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा? आकर्षण का मतलब क्या हुआ भाई? जहां ज्यादा है वहां जाएगा। तो आकर्षण का मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है तो कहां से कहां जाएगा भाई? वो कम से अधिक की ओर जाएगा। ये तो आकर्षण है, जहां ज्यादा है वहां जा रहा है, आकर्षित हो रहा है। और अगर मैं कहूं प्रतिकर्षित हो रहा है पदार्थ, प्रतिकर्षित हो रहा है, तो कहां से कहां जाएगा? वो अधिक से कम की ओर जाएगा। ये बात क्लियर है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ हैं? तो देखो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम, कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ या वे चुंबकीय पदार्थ, ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से, नाम से क्लियर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं भाई? प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षण का मतलब क्या हो गया कि अगर आप इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इनका जो विस्थापन होगा, इनकी जो गति होगी वो कहां से कहां होगी? अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो क्या इनकी परिभाषा हो गई कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जस्ता, कॉपर, तांबा, चांदी, सिल्वर एजी, सोना, ऑरम, नमक NaCl, जल आपका H2O, ठीक है, नाइट्रोजन N2। तो सारे जो पदार्थ हैं कौन से हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। जिंक, जस्ता, कॉपर, तांबा, एजी आपको बता रहे हैं, सिल्वर, सोना, नमक, H2O, N2 और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं भाई? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के, कि अगर आप इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो इनकी क्या हो गई? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा हो गई, क्लियर। अब अच्छा देखो, इसी में आप ये समझे कि जो चुंबकत्व है उसका वाला कारण क्या है, वो हमने पढ़ लिया है। एक परमाणु मॉडल भी आप समझे इसमें, इसी में आप देखें प्रतिचुंबकत्व का, या केवल हम साधारण बात करें कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है उसकी बात अपन करेंगे। पहले अपन इसे कुछ गुणधर्म देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा हो गई कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और कुछ इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, क्लियर। अब देखिए गुण इसके,
पहला गुंधर्व। तो पहला गुंधर्व क्या है इसका बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर मान लो हम इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ है उसे मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका देता हूं, ये मान लो हमारा एन हो गया और ये क्या हो गया एस, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमने जनरेट कर दिया यहां पर। तो अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी किसी छड़ को, यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी किसी छड़ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएं, तो देखा जाता है कि वो जो छड़ है वो घूम के चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाती है बच्चों, लंबवत हो जाती है। अगर हम किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो देखा जाता है कि जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। ठीक है, ये तो देखो इसका अक्ष हमारा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो भी जो इसकी स्थिति है वो कैसी है, लंबवत। तो हमने क्या लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर घूमकर क्षेत्र के क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, लंबवत। यदि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को हम चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो घूमकर क्या हो जाती है, लंबवत। ठीक है, इसी सेकंड प्रॉपर्टी देखें, देखो इनका जो विस्थापन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो विस्थापन होगा, और देखो हमें पता है अभी प्रतिकर्षण हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है, यानी इसका जो विस्थापन होगा वो हमेशा कहां होगा, वो अधिक तीव्रता वाले स्थान से, अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की ओर होगा, कम तीव्रता वाले स्थान की ओर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर अपन एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखें, क्योंकि ये मान कम और ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इनका जो विस्थापन होगा, ये जो डिस्प्लेस होंगे, इन पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल, वो कहां से कहां लगता है, अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की ओर। तो इसलिए हम प्रयोग करते हैं, हमने क्या करा, एक इस तरह मैंने एक चुंबकीय ध्रुव लिए, ये मान लो एन हो गया और इनको मैंने पास पास रखा, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ये मैंने चुंबकीय ध्रुव लिए एन और एस, और मैंने मान लो यहां कोई कांच की प्याली रख दी इन ध्रुवों के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, कांच की प्याली, क्या ये भाई कांच की प्याली, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो असमान का मतलब ये है कि ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, यानी इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा है, और इनके पास यानी किनारों पर मान क्या होगा, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवों के निकट यानी इसके मध्य में जो क्षेत्र है वो तो अधिक है, और जो किनारे वाले भाग है किनारों पर मान क्या है भाई, कम है, किनारों पर मान क्या हो गया, कम। तो अगर मान लो हमने यहां कोई प्रतिचुंबकीय लवण है हमने, या कोई लिक्विड हमने यहां रख रखा है, तो कहां से कहां जाएगा, अधिक से कम की ओर। तो देखा जाता है कि अगर आपने कोई यहां लिक्विड या चुंबकीय पदार्थ का कोई आपने यहां लवण रखा हुआ है तो वो अधिक से कम की ओर विस्थापित होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहां से यहां चल जाएगा, यानी इस तरह की स्थिति बन जाती है, यानी जो मध्य भाग में क्षेत्र ज्यादा है वहां से दब गया और किनारों पर से क्या हो गया, उठ गया।
समझ रहे हो, मध्य भाग से दब गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य भाग से कहाँ जा रहा है, किनारों की तरफ जा रहा है क्योंकि वहां क्षेत्र कम है। तो इस वाले स्थिति में क्या हुआ कि मध्य से जो हमारा पदार्थ था वो दब गया और किनारों से क्या हुआ उठ गया, किनारों से उठा। तो ये हो गया देखो कि भाई मध्य भाग से यानी जहां क्षेत्र ज्यादा है वहां से जा रहा है कहां की ओर, कम क्षेत्र की ओर। तो मध्य में से भाग दब जाता है, किनारों से उठ जाता है। अगर इसी प्रयोग में हम ऐसा करें ध्रुवों को दूर दूर रख दें तो मध्य में कम हो जाएगा। अगर हम ध्रुवों को दूर रख दें, ये मान लो एन है और इनको मैंने दूर रख दिया, ये क्या हो गया एस। ये हमने मान लो वही कांच की पैली ली हुई है, ठीक है। तो अब हमने इनको जब दूर रख दिया, दूरी बढ़ा दी, तो क्षेत्र अब क्या होगा मध्य में कम हो जाएगा। तो इसका मतलब किनारों पर ज्यादा है, तो इस तरह अब जो हमारे मध्य से उड़ जाएगा भाग और किनारों पर क्या होगा थोड़ा दब जाएगा। तो अब देख रहे हैं मध्य से तो उड़ गया क्योंकि यहां क्षेत्र क्या था कम, तो यहां मध्य में क्षेत्र कम था, तो क्षेत्र कम होने पर यहां पदार्थ उठा। और किनारों की बात करें, किनारों से दब गया क्योंकि तो विस्थापन क्या है, अभी हम यहां क्षेत्र ज्यादा है तो ज्यादा से कहां जा रहा है कम की ओर जा रहा है। तो जो हमारा चुंबकीय पदार्थ है वो किनारों से तो दब गया और मध्य भाग से क्या हो गया उठ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है अगर उनको हम एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनका विस्थापन कहां होता है, अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की ओर होता है, ठीक है। और देखें ऐसी प्रॉपर्टी, देखें तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, देखा जाता है कि अगर हमने कोई पदार्थ यहां रखा हुआ है तो ये मान लो हमने कोई चुंबकीय पदार्थ यहां रखा हुआ है और हमने इसको बांधा हुआ है, तो n है तो n के पास s होगा, s है तो यहां क्या होगा n होगा। तो देखा जाता है कि यहां पदार्थ में से बल रेखाएं कम गुजरती हैं और जो निर्वात है यानी पदार्थ से बाहर की ओर वहां बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है ज्यादा होती है, N2S। तो हम देख सकते हैं कि अगर चुंबकीय पदार्थ कोई प्रति चुंबकीय पदार्थ से बने छड़ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात में अधिक होती है, निर्वात में माध्यम की तुलना में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात में माध्यम की तुलना में क्या होती है अधिक होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात में माध्यम की तुलना में क्या होती है अधिक, तो ये इसका माध्यम है जहां पदार्थ रखा हुआ है, ये निर्वात है तो निर्वात में बल रेखाएं ज्यादा है, माध्यम में क्या है कम। तो ये हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुणधर्म देखे, तो हमें समझ में आ गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। अब देखें तो शुरुआत में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि चुंबकत्व पदार्थ में क्यों होता है, तो मैं दोबारा बता रहा हूं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि परमाणविक मॉडल के आधार पर व्याख्या कीजिए, तो हम देखिए यहां पर इसी में कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है।
एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है उसकी बात हम करें। चुंबकत्व का परमाणवीय मॉडल क्या कहता है ये देखो, जैसे हमें पता है कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो भाई किससे मिलकर बना हुआ है, वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है, इसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु की जो मध्य वाला भाग है वहां इसका संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, उसको हमने क्या बोल दिया, नाभिक, न्यूक्लियस। अब ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा, हमने पढ़ा भी हुआ है कि जैसे मान लो एक कक्षा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन दो तरह से गति करता है। इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गतियां होती हैं, एक तो वो नाभिक के चारों ओर करता है कक्षीय गति, एक तो नाभिक के चारों ओर क्या करता है कक्षीय गति करता है, और एक अपने अक्ष पर भी घूमता है, यानी वो गति कैसी होती है, चक्रण गति, स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति कर रहा है, एक तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है और एक अपने अक्ष पर भी वो घूमता है, चक्रण गति करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो किसकी भांति व्यवहार करता है, वो एक धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है, धारावाही लूप। ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय चक्रण गति है उनके कारण पदार्थ में क्या पाया जाता है, चुंबकत्व पाया जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, चाहे वो कक्षीय गति करे या चक्रण गति करे, तो इनके कारण वो एक धारावाही लूप बन जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऋणावेशित कण है, तो जब वो घूमेगा तो वह धारा प्रवाहित होगी लूप में, तो एक धारावाही लूप बन जाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और इसी से, इस धारा से ही क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अरे वही भी बताया था कि चुंबकत्व में जो अधिक योगदान होता है किसका होता है, चक्रण गति का होता है। चुंबकत्व में जो योगदान होता है किसका होता है बच्चों, चक्रण गति का होता है, कक्षीय गति का योगदान बहुत कम होता है। तो ये हमारा परमाणु का चुंबकत्व का क्या है बच्चों, परमाणु मॉडल है। तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उसमें दो तरह की गतियां वो करता है, एक कक्षीय गति और चक्रण गति। तो चुंबकीय आघूर्ण दोनों के कारण ही होता है, लेकिन जो अधिक योगदान किसका होता है, चक्रण गति का होता है। अब हम देखें प्रतिचुंबकत्व को समझें। तो इसी में हम पढ़ रहे हैं प्रतिचुंबकत्व में कि प्रतिचुंबकत्व का गुण हम समझे चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर। देखो प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या किसके आधार पर, परमाणु मॉडल के आधार पर। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर, परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या हम करेंगे। देखिए तो प्रतिचुंबकत्व का मतलब है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है या उन परमाणु में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम होती है, सम। प्रतिचुंबकत्व का गुण उन परमाणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम। सम यानी दो से डिवाइड हो सके, जोड़ा बन सके, इलेक्ट्रॉन संख्या सम होती है। तो ये क्या करते हैं,
विपरीत चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन है, विपरीत चक्रण मतलब इस तरह एक का चक्रण ऐसे एक का चक्रण ऐसे, या पढ़ते भी हो केमिस्ट्री में स्पिन चक्रण हम इस तरह शो करते हैं, तो विपरीत चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? युग्म बना लेते हैं। अब विपरीत चक्रण का मतलब क्या हुआ? विपरीत चक्रण का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पास ये नाभिक है और मान लो एक कक्षा मान लो ये है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो इस तरफ जा रहा है, ये पहला इलेक्ट्रॉन मान लो, और दूसरी कक्षा मान लो हम ऐसे मान ले कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये मान लो इस तरफ जा रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इस तरफ गति कर रहा है और ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है, तो हो गया विपरीत चक्रण। तो जो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या बना लेते हैं? युग्म बना लेते हैं। तो अब इसके कारण में चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसके कारण में चुंबकीय आघूर्ण होगा क्योंकि धारा प्रवाहित होगी, ये ऐसे जा रहा है तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ये इस तरह जा रहा है तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो ये विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं, तो अब इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, बना लेते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी चुंबकीय आघूर्ण है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी चुंबकीय आघूर्ण है, दोनों का मान समान होता है लेकिन जो दिशा है वो क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये विपरीत चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, जिससे पदार्थ का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है या शून्य रहता है। पदार्थ का नेट यानी जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। ठीक है, तो ये तो सारी बात हुई चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी हमने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया। अब यदि आप इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, यदि हम इस पदार्थ को कहां रखें? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, यदि हम इस प्रति चुंबकीय पदार्थ को जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है? जीरो है, अगर इसको अपन एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? ये एक या अपन ऐसा बोले जो इलेक्ट्रॉन है इनकी गति को परिवर्तित कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को धीमा कर देता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को तेज कर देता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रॉनों की गति परिवर्तित होती है, गति यानी उनकी जो चाल है गति परिवर्तित होती है, अर्थात जो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है, ये सब थ्योरी आपको मिल जाएगी आपके पीडीएफ फाइल में, अर्थात विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों में से एक को तो क्या कर देता है? धीमा कर देता है, एक को धीमा तथा दूसरे को तीव्र कर देता है, उसका वेग बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है। अब उनकी गति परिवर्तित हो गई, तो गति परिवर्तित होगी तो अब वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाएंगे, जिससे पदार्थ में नेट चुंबकीय आघूर्ण कमी होता है, जिससे पदार्थ में नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। समझ गए? तो ये प्रति चुंबकत्व का परमाणु मॉडल है, तो परमाणु मॉडल के आधार पर हम प्रति चुंबकत्व को समझ सकते हैं। तो हमने क्या समझा? पहली बात तो यह है कि प्रति चुंबकत्व आघूर्ण कौन से परमाणु में पाया जाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सम होती है। तो आप देखना जो हमने जो एग्जांपल लिए थे प्रति चुंबकत्व के, उन सभी में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या थी? सम थी। तो अब सम वाले क्या करेंगे? सम वाले जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा हमेशा विपरीत का बनता है, तो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं? जोड़ा बना लेते हैं।
अब इसका भी चुंबकीय गुण है, इसका भी चुंबकीय गुण है, लेकिन विपरीत दिशाओं में होता है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय गुण को नष्ट कर देते हैं। तो अगर कोई क्षेत्र नहीं है तो नेट चुंबकीय गुण क्या रहता है? शून्य रहता है। जैसे आप क्षेत्र लगाते हो, जैसे बाह्य क्षेत्र लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। एक का गति बढ़ा दी और दूसरे गति क्या कर दी? कम कर दी, तो जिससे चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हमने प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या पढ़ी। ठीक है, चुंबकीय मॉडल हमने समझा। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।